खरगोन जिले में पुलिस कर्मियों के बच्चों के भविष्य को निखारने के लिए डीआरपी लाइन में पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव ने कैरियर काउंसलिंग का आयोजन किया। तकरीबन एक माह चलने वाली इस काउंसलिंग में बच्चों को उनके अंदर छुपी प्रतिभा निखारने के गुर सिखाए जाएंगे, साथ ही जीवन उज्जवल बनाने के साथ साथ उनसे विचार विमर्श करके उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा। इस दौरान SDOP राकेश मोहन शुक्ला ने बताया कि पुलिस के बच्चे पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़कर ऊंचाई की बुलंदियों को छुएं, इसी कवायद के साथ कैरियर काउंसलिंग की जा रही है और आने वाले समय में स्टडी रूम बनाने की चर्चा चल रही है, जिससे निश्चित तौर पर पढ़ाई करने वाले छात्रों में उत्साह बढ़ेगा और वो बुलंदियों को छूकर अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। किसका कॉन्सेप्ट है, किस सब्जेक्ट में आएंगे? साइंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप इसमें लेने तो मेरे को दो महीने के बाद तो उसे क्लास वगैरह लेने के बाद क्लास अटेंड करने के बाद मेरे को आइडिया क्या बना रहे हैं। ठीक है, अभी आपको भी ऐसे ही लग रही है क्या सर्विस सेक्टर क्या कर रहे हैं क्या सेक्टर क्या लग रहा है ना लग रहा है कैसे देखिए मेरे को तो लग रहे हैं तीन सेक्टर में बटा है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज। अभी देखो हमने इंडिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देखा तो सर्विसेज डोमिनेटिंग, मोर देन 60% इज हैंडलिंग बाय सर्विस सेक्टर्स, अराउंड 25-26 इज हैंडलिंग बाय इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर सेक्टर कितना हो गए, अराउंड 15-16% हैंडल करते हैं। अभी इन्होंने किसके बारे में बात कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर। सो इट्स ए इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रिलेटेड एडिटोरियल हमको पढ़ना है। ठीक है, तो प्राइवेट एंटिटी गवर्नमेंट का एंटिटी नहीं है, इसमें हमारा लेना देना नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, फिर भी इन्होंने आर्टिकल लिखा है एयर इंडिया जैसे ही गो फर्स्ट का भी हालत करा हुआ है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, सिंपल चीज थोड़ा सा समझ में आ गया। ठीक है, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आर्टिकल, क्योंकि इट्स अ प्राइवेट एंटिटी, उसी जगह में कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटिटी और एंटरप्राइज बता दो हमारे लिए वो न्यूज़ बनता, उस समय हमको ये एडिटोरियल इम्पोर्टेंट होता। सिंपल थिंग समझ में आ गई, कौन सा एडिटर को पिक कर क्यों नहीं खड़ा किया, और तुम लोग तो शर्माते हो, खड़ा करने शर्माओगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे, जिसे इतना नहीं है। देखो बहुत अच्छी बात बताई है, न्यूज़पेपर आदमी को पढ़ने में आदमी होते हैं वो पूरे पूरे 3-3 घंटे पेपर पढ़ते रहते हैं, तो आगे क्या पढ़ते रहते हैं। एक न्यूज आनंद साहब ने आपको बताया, एक न्यूज को कैसे पढ़ा जाता है, जब आपको ये चीजें क्लियर होगी, जैसे आपने मणिपुर का पढ़ा तो आपके दिमाग में ये आएगा कि मणिपुर किधर है, मणिपुर की राजधानी क्या है, वहां कौन कौन लोग रहते हैं। नहीं आता कोई बात नहीं है, जैसा उन्होंने भी बताया कि पहले दिन पहली बार मैंने पेपर पढ़ा तो कितने घंटे लगे, 5। तो आपको पेपर रखिए, कोई भी पेपर द हिंदू जब मिलेगा, जब मिलता रहेगा, अभी जो है आपके पास पेपर आप उसको रखिए, और साथ में बुक रखिए, अपनी कॉपी ये रखिए कॉपी। पहला न्यूज़ पढ़ा, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का न्यूज़ पढ़िए, समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल हुआ है, उसमें उसका रुख ऐसा है सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको क्या मालूम है, पहले आपको क्या मालूम है। हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय ने ये निर्देशित किया था सभी को कि बच्चों के लिए पुलिस लाइन में कैरियर काउंसलिंग और कैरियर को कैसे कैरियर बनाना है, उनको किस किस फील्ड में वो जा सकते हैं, इसके लिए प्रयत्न किए जाएं, जिस पर पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह साहब ने निर्देशित किया है। तो हमारे जो प्रोबेशनर IPS अफसर हैं आनंद साहब,
उनके द्वारा ये क्लासेस ली जा रही हैं, हम लोग भी उनको समय समय पर सहायता कर रहे हैं, उसमें ये बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे हैं कि वो बच्चे आगे भविष्य में किन किन फील्ड में जा सकते हैं। आज जैसे कि आपको यदि न्यूज़पेपर पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ना है, उसको क्या पढ़ना है, उसमें किस तरह पढ़ना है, उसके किस तरह न्यूज़ बनाना है, किस तरह की बातें उनके जनरल अवेयरनेस के लिए किया जा रहा है। हमारा यही प्रयास है कि जो पुलिस कर्मियों के बच्चे हैं वो अच्छे से अच्छे शिक्षा ग्रहण करें और उच्च से उच्च पद पर पहुँचे और अच्छे नागरिक बने। कितने दिन तक चलेगी सर ये? अभी पूरा एक महीने इसको चलाएंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उनको और भी कोई मार्गदर्शन की ज़रूरत होगी और भी कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो हम लोग वो भी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। जिस रूम में अभी आपने देखा बच्चे बैठे हैं वहाँ पर हम स्टडी रूम का भी एक वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे बुक्स रखी जाएंगी और बच्चों के लिए रीडिंग के लिए जगह उपलब्ध कराई जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।